बात करेंगे कि कैसे आप अपने जो प्लगइन का जो डाटाबेस है उसे आप कैसे डिलीट कर सकते हो, यानी कि जब वर्डप्रेस में कोई भी प्लगइन डाउनलोड करते हो और उसमें कोई भी अकाउंट बनाते हैं, तो कुछ भी उसमें करते हैं, जब उसे आप डीएक्टिवेट करते हैं तो फिर से उसको कभी आप उसे एक्टिव करते हो तो वहां पर जो भी डाटाबेस होता है वो सारा सारा डेटाबेस वापस आ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप प्लगइन का जो डाटाबेस होता है उसे आप लाइफ टाइम के लिए कैसे डिलीट कर सकते हो, यानी कि फिर से कुछ डिलीट करना होगा तो फिर से जब भी उसे इंस्टॉल करेगा तो जब भी एक्टिव करेगा तो वहां पर आपको फिर से नया अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन वहां पर जब तक आप उसे क्लीनिंग नहीं कर लोगे तो आपका जो भी पुराना डाटाबेस रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपको वापस आ जाएगा। तो इसे करने के लिए सबसे पहले अपने वर्डप्रेस का डेस्कटॉप पर आ जाना है, और डेस्कटॉप पर आने के बाद अपने एक प्लगइन डाउनलोड करना। प्लगइन डाउनलोड करने के लिए प्लगइन पर क्लिक करना और यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं ऐसे प्लगइन को बता देता हूँ, इस प्लगइन का नाम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्लगइन का नाम है प्लगइन। यहाँ पर जो पहले वाला ऑप्शन दिखाया जा रहा है इसको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करना और इसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ी वेट करने के बाद यहाँ पर एक्टिव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, फिर से यहाँ पर एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद आपका जो भी होगा यहाँ पर सारा एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको जो अभी आपका जो प्लगइन है वहां पर सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसे करने के लिए सबसे पहले अपने प्लगइन में चले आना है। प्लगइन में यहाँ पर आने के बाद आपका जो भी प्लगइन आपने डाउनलोड किया यहाँ पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर शो हाइड पर क्लिक कर देना। चल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्कैन डाटा पर क्लिक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसे करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी वेबसाइट का सारा वेबसाइट का अपना बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बाद ही इसे करना है, या नहीं तो यहाँ पर कुछ भी एक दिक्कत भी होता है तो आपका जो वेबसाइट का सारा नुकसान हो सकता है। तो बैकअप कैसे लेना है मैं इस अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वेबसाइट का बैकअप लेने के बाद ही करना। उसके बाद यहाँ पर स्कैन डाटा पर क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करोगे फिर से आपको ओके पर कर देना। ओके करने के बाद आपका जो भी होगा डाटा बेस यहाँ पर सारा का सारा कुछ आ जाएगा, यानी कि जो भी डाटा बेस होगा सारा कुछ आ जाएगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो भी डाटाबेस है सारा का सारा कुछ आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे मेरे डाटाबेस फालतू का है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता लगा सकते हो कौन सा डाटा मेरा है या नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डाटा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक्टिव, यानी कि ये अभी काम कर रहा है। और यहाँ पर जो अनयूज लिखा हुआ है तो यानी कि इसे अभी फालतू का चीज आपके यहाँ पर रखा हुआ है। जब भी इसे डिलीट कर दोगे तो आपका जो वेबसाइट होगा फास्ट हो जाएगा। तो इसे डिलीट करने के लिए यहाँ पर मैंने क्लिक क्लिक कर देता हूँ। चलिए आपका जो भी आप डिलीट करना है आप क्लिक, यानी आपका जितना भी रेट दिखाई दे रहा है उस पर ही क्लिक करना, नहीं तो आप जो फालतू का चीज डिलीट मत करना। ओके चलिए मैं यहाँ पर सारा कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जितना भी जो फालतू का डाटाबेस है मैंने उसे सिलेक्ट करने है, और उसको सिलेक्ट करने बाद सबसे नीचे चले जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सब सब दिखाई देगा डिलीट सिलेक्ट टून टेबल, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी अपना है उसे सिलेक्ट करने बाद यहाँ पर डिलीट सिलेक्ट टेबल क्लिक करना। चलिए उसको क्लिक करना, क्लिक करने बाद यहाँ पर फिर से ओके कर देना। ओके करने बाद क्या होगा, फिर से ओके करने बाद आपका जो भी डाटा बेस होगा वहाँ पर आपका सारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डाटा बेस मेरा पूरा सारा डिलीट हो चुका है। फिर से आपको स्कैन करना चाहते हो कि मेरा डाटा बेस फालतू का है या नहीं, फिर से आपको शो हाइड पर क्लिक करना और स्कैन डाटा बेस क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ मेरा सारा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दो और बच चुका होता है, फिर से आप इसी तरह स्कैन करके डिलीट कर लेना। चलिए मैं यहाँ से जो भी फालतू का मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से सिलेक्ट डिलीट पर क्लिक करके ओके कर देना, फिर ओके कर देना। तो गाइस आप देख सकते हो बड़ी आसान से अपना जो डाटाबेस है पुराना उसे डिलीट कर सकते हो। और भी ऐसे ना जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।